तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। हाय ईमान से मियाँ जी, आपसे मिलने का तो बड़ा इश्तियाक था मुझे। आपको देखे बगैर ही मैंने आपको अपना मियाँ जी मान लिया था। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं पुत्र, एतराज की क्या बात है, तूने हमें मियाँ जी माना, हम तुझे बेटी समझते हैं। हाय थैंक यू मियाँ जी। पता नहीं माहिर परहेजी खाना खा भी रहा है या नहीं। रानिया बेटा, खाने में क्या बनवाया है? मूंग की दाल की खिचड़ी, देसी मुर्गी का शोरबा बगैर घी और मिर्च के। घी और मिर्च के बगैर? ये डॉक्टर वासी के अस्पताल का मेन्यू लग रहा है। माशाल्लाह मियाँ जी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। की कल है, कोई परेशानी है? सब खैर तो है? हाँ जी। नहीं जी है? हाँ जी तो नहीं जी, दोनों चीजें समझ नहीं आ रही। तबीयत तेरी ठीक है पुत्र? अम्मा जी को आना था ना, अभी तक आई नहीं। असल में सारा दिमाग ही वहाँ लगा हुआ है। बल्कि मैं कॉल करके पूछती हूँ, पता नहीं पहुँची भी है नहीं। उन्हें तो चाहिए ये कि पहुँचते ही कान खींचे और किसी एक की ना सुने, सख्ती की बहुत ज़रूरत है। हाय हाय रानी, कैसी बातें कर रही है तू? वो भला हमारे कान क्यों खींचेंगी? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे ख्याल से आप लोगों के आने की खुशी में ना मैं पागल ही हो गई हूँ। यही बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वाकई ऐसा हुआ था। एक लड़की के बारे में ऐसा बोला? फिर तेरे जैसा दोस्त ना अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। माहिर, मैंने एक और लड़की के सामने तेरा इमेज गिरा दिया यार, सॉरी। तो तुम्हें बाद में देखता हूँ, मेरी तबीयत। दादी। माहिर। दादी आप। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वस्सलाम। आप लोगों को रानिया ने बताया? सारी छाड़, चल कार चलो बस है। कार चल हनी, ये माहिर की दादी और ये चाचा है, और ये हनी है मेरी कजन, अमेरिका से आई है। अस्सलाम वालेकुम। दादी आप माहिर से पूछें, इसने माहिर की कितनी खिदमत करी है। हालांकि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। साले के नुलाई ना साड़े वाल लेकर आई। जरूर जरूर। चल चल कार चलिए बस। बहुत नहीं दादी, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, फिलहाल घर चलो, तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर कोई नई जिद करके घर छोड़ देना। चलो। नहीं, उस घर में जब तक स्वीटी आंटी है ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम माहिर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। जी वो तो मैंने पता है, पर अपने दिल का की करा ना, जब तक तो मेरी नजरों के सामने नहीं आता ना, मैंने तसली नहीं होती। वेखो जरा तको, एक छोटा जि चिड़ी दिया मुंह निकल आया इदा मेरे बब्बर शेर दा। ते इस बीमारी की हालत इस ते मैं इनू कला छड़ के नहीं जा सकती जी। चल माहिर पुत्र समान काढ़, मैं बीमारी इसने ते कला नहीं छड़न वाली। चल जावा जावा। माहिर तुम सूप तो पियो, बाकी बातें तो साथ साथ होती रहेंगी ना। बिस्मिल्लाह। मुझे कुछ नहीं पीना, प्लीज प्लीज। अमां तू तो समान काढ़ ना, चलिए फिर, वो देर हो रही, रानिया वाल भी जाना है। क्या रानिया के घर? क्यों, मैं नहीं चाहूंगा रानिया के घर। ले सुन ले, ओ बेचारी बच्ची जड़ी हैगी तैयार हो गई तेनू अपने घर रखने वास्ते, ते तेरी तिमारदारी करेगी ते तू इनकार कर रहा है, कमाल है मान नाल। रानिया तेरी तिमारदारी के लिए यार। मेहरबानी बच। अच्छा जी, मियाँ जी
वो फरहाद है ना, मैंने उसे अपना भाई बनाया हुआ है, बड़ा शौक है उसे आपसे मिलने का। है वही फरहाद है जिसकी राबील से जिसका रिश्ता पक्का हुआ है। जी जी, बहुत अच्छे लोग हैं मियाँ जी, और वो उसके मामू है ना, अयाज मामू, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप मिलिएगा उनसे भी। रानिया बेटी हमारी इतनी तारीफ कर रही है, यकीनन अच्छे ही लोग होंगे, और क्या। वैसे मियाँ जी, मैंने सुना है आप गांव में बड़ा सोशल वर्कशॉप करते हैं। बेटे आप लोग शहर में इसको सोशल वर्क कहते हैं, हम ये समझते हैं कि इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की मदद करना। वाह वाह, क्या बात की है मियाँ जी, एक तो आप बड़े इंसान, ऊपर से आपकी सोच भी बड़ी। वैसे अपने ये जो डॉक्टर वासिक है ना, ये भी इंसानियत की बड़ी खिदमत करते हैं, इंसानियत का दर्द तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। और आप ये ना समझिएगा कि ये इश्क में नाकाम होने की वजह से कवारे बैठे हैं, दरअसल इनको तो अपने बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला, वरना ये बड़े नेक, शरीफ, मिलनसार और हमदर्द डॉक्टर हैं। हाँ, है ना, है ना। जी, जब मैंने इनसे कहा था ना कि माहिर की तबीयत खराब है, उसे चेक करने जाके 100 बहाने बना लिए थे इन्होंने। माहिर की तबीयत खराब है? जी मियां जी। तो मुझे अब बता रहे हो तुम लोग, असल में मेरा अपना कसूर है, मुझे आते ही उससे मिलना चाहिए था, बड़ा ही अच्छा बच्चा है यार, मेरे दिल से तो उसके लिए दुआएं निकलती हैं, मान से बड़ी खिदमत की है, बहुत अच्छा मुंडा है गाय मान। अच्छा चलो भाई खाओ, की होया की होया की होया। हेलो, कि आप क्या नॉर्मल लड़कों की तरह मैसेज किए जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा था कि आप लोग रानिया के घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, टेंशन हो रही है ना। हाँ, हम बिल्कुल खैर से पहुंच गए, आप परेशान ना हो, और रानिया ने ना आते ही अपने मिशन का आगाज कर दिया, कब से आपकी तारीफों में लगी हुई है। नहीं नहीं, रानिया तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसको शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। एक्चुअली पूछना ये था कि ज्यादा सख्त सवाल कहाँ से आ सकते हैं, मियाँ जी की तरफ से, भाईजान की तरफ से। एक्चुअली सारी जिंदगी पेपर आउट करवाने की ऐसी बुरी आदत पड़ी है कि अगर अभी भी पता चल जाए तो जिंदगी में आसानी हो जाएगी, तो कहाँ से मुश्किल सवाल आएंगे। नहीं नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरी तैयारी से आना पड़ेगा, और जमान भाई की तरफ से ना आप सख्त रवैये की उम्मीद रखिएगा। कई भैया इनकार ही ना करते मेरे अरमानों को महल, तो धड़म से आके गिर पड़ेगा, और कहीं मैं उस महल के नीचे आके कुछ ला ही ना जाऊं। कुछ करो, कुछ करो। हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पहले तो शादी नहीं हो रही थी, अब अल्लाह अल्लाह करके हो रही है, तो आप मुझे बेवा कराने के चक्कर में हैं। हेलो, हाँ राबेल, अम्मा जी गई है माही के पास कि नहीं? चलो शुक्र है, बस अब उसे ले आए, वरना नहीं नहीं आज से बात करूं। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे नहीं करनी किसी से बात, आपको पता है वो माहिर है ना। ओ, छोड़ो माहिर को, प्लीज तुम अयाज से बात करो ना, वो बहुत परेशान है, उसको जमान भी की वजह से धड़का लगा हुआ है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ मामू, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी, वैसे भी अब मेरे बाबा बदल चुके हैं। फिर भी रानिया दिल को एक परेशानी सी लगी हुई है, टेंशन हो रही है। ओहो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, कह रही हूँ ना, आप बस यहाँ रिश्ता लाने की तैयारी करें। फिर भी वसवसे हैं कि सताए जा रहे हैं, अजीब दिल बैठ सा रहा है, क्या करूं। फिर आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास। बोलो। आप यहाँ आने की जहमत ही ना करें, घर पे ही बैठे, और घर पे सारी परेशानियां, वसवसे, मुश्किलें सब दूर हो जाएंगी खुद ही। छोड़ो, देने दो, तुम खुद कभी तुम ऐसी सिचुएशन से गुजरी हो ना, तो तुम्हें पता हो कि दिल की क्या हालत होती है, अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाता देखना कितना मुश्किल होता है। हेलो, हाँ अयाज, नहीं नहीं आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजर रही हूँ, और जिसके लिए बेचैन हूँ उसे मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं है ना, फिर मेरा पागलपन, मेरे ख्वाब तो कुछ और थे, फिर ना चाहते हुए भी मैं माहिर के बारे में क्यों सोचने लगती हूँ, अगर उसे मेरे दिल की कैफियत की खबर हो गई, जीत का जश्न मनाएगा, कितना मजाक उड़ाएगा मेरा।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र जिंदी रहे जिंदी रहे। अस्सलाम। आपने तो बहुत अच्छा किया जाके, मुझे यकीन था कि आपकी बात नहीं टालेंगे। ऐसे हैं कहाँ? कौन किसकी बात कर रही है? माही राय नहीं? जिद्दी एक नंबर दायका, बड़ा इसरार किया मैं पर वो माना नहीं। तो दो लगानी थी ना अम्मा जी, क्या कोई बात होती है भला? बीमार पड़े वो भी दोस्त के घर, साले के घर वाले क्या सोच रहे होंगे? इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई फिक्र करने वाला नहीं इनकी? नहीं पुत्री, ऐसी कोई गल नहीं है। वो देखना, वो साले तो बचपन का दोस्त है, बड़ा प्यार करता है साले ते, नाल उन्हें घर वाले भी बड़ा ख्याल रख रहे ने उदा। ते वो एक नवी जिहड़ी मेहमान आई है उन्हें घर, वो बच्ची इन्ना ख्याल रख रही उदा कि जिवें तो जिंदगी भर जान दी होवे। अस्सलाम वालेकुम नन्ना जी। अस्सलाम अस्सलाम। आप भी इधर ही हैं, वेरी गुड वेरी गुड। काफी रौनक लगी हुई है, कैसी हैं आप? मैं तो पहले जैसी हूँ, लेकिन रानिया की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। रानिया और वो कहाँ है महीर, क्यों नहीं आया? चलिए अनवार पर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा रानिया बताओ ना, महीर क्यों नहीं आया? वो भला क्यों आएंगे? क्या मतलब क्यों आएंगे? दोस्त के घर, दोस्त की कजन आई हुई है, बड़ा आगे पीछे हो रही थी, पागल है जो आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सालेक, रानिया ने दादी को कॉल की, मेरी बीमारी के बारे में इतना कंसर्न शो किया। रानिया ने खुद दादी से कहा कि माहिर को मेरे घर भेज दे, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो मत कर यकीन, एक ही बात कर करके ना तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, प्लीज। अरे यार अच्छा खासा मूड है, स्पॉइल मत कर, पहले तो मुझे इस बात को ही एंजॉय करने दे। वैसे साले मैं सोचता हूं ये सानिया अगर मेरे बारे में इतनी परवाह करती है तो मेरे मुंह पे जाहिर क्यों नहीं करती? हाँ यार फिलहाल वो तेरा जायजा ले रही है, देख रही है कि तू उसकी मोहब्बत के काबिल है भी या नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूं, सानिया सोचती होगी कि माहिर जैसा स्मार्ट डैशिंग ऐसे वाला इतनी लातादात खूबियों वाला लड़का मैं उसके काबिल भी हूं या नहीं। बस यही तेरा गरूर, यही तेरा गरूर तुझे एक दिन ले डूबेगा। सही क्या है तेरी सौतेली माँ ने तेरे साथ? तो हेलो उन सौतेली माँ को तो मैं ऐसा मजा चखाने वाला हूं ना, देखना। अपने बलबूते पे अभी इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना मैंने, तो देखता जा, कामयाब इंसान बन के जब उनके सामने जाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। माही तुम्हारे फ्रूट्स का टाइम हो गया है। और एक तो तेरी ये एक्स्ट्रा स्वीट बबल गम कजन है ना, इससे दिमाग खराब किया मैं, पीछे पड़ी भी मैं जा रहा हूँ, तू उसको संभाल लेना। ओके ओके ओके। What on earth are you doing here? You should be in the room. But anyways, my fruit का टाइम हो गया, बैठ जाओ। आपने फजूल में तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम साथ में एंजॉय करें। हौसला देखो मेरी मासूम कजन का, इस आदम बिजार बंदे के साथ एंजॉय करने का सोच रही है पगली। वैसे थोड़े थोड़े आदम बिजार तो तुम हो, मुझे ना एक्चुअली तुम्हारा बिहेवियर माय फैमिली के साथ समझ नहीं आया। पहले वो लड़की आई कितनी क्यूट थी, तुमने कोई लेफ्ट नहीं कराई, फिर तुम्हारी ग्रैंड मॉम आई, उनकी एक बात नहीं मानी। व्हाट्स द मैटर विद यू? सारा फसाद ना उस क्यूट लड़की की वजह से ही फैला हुआ है। मैं समझी नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं इसकी बातें समझने वाली नहीं होती, सिर्फ फजूल बात कर रहा है, जस्ट इग्नोर हिम। हाँ हाँ, और आप इसकी बातों की गहराइयों में ना बस उतरा करें, बल्कि हिफ्ज़ कर लिया करें। साले इजी हो जा, इजी तो बेटा ज्यादा पहले मत हाँ भाई, लगता है तेरी इफ्रा से शिकायत करनी पड़ी। ओह याद आया, इफ्रा हाउ शी, कम मिलवा रहे हो? एंड यू आर यू एंगेज्ड? नो 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 नो, ये मंगनी नहीं रखते, ये सिर्फ उम्मीदें रखते हैं जो रोज रोज टूट जाती है। तुम चलो मेरे साथ अंदर, मैं तुम्हें इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। फ्रूट नहीं खिलाओ? नहीं नहीं जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ओके एक बाइट। आ रही हूँ आ रही हूँ।
बच्चे दादी के साथ चले जाना चाहिए था। ये शर्ट मुझ पे अच्छी लगेगी, ये देखो फूलों वाली। बकवास, ये शर्ट पहन के आप मियाँ जी के सामने जाएंगे, बताओ क्या समझेंगे? अरे लड़का के ताल्लुक जो है वो मरासी के खानदान से, बेटी देने से साफ साफ इनकार कर देंगे वो। अच्छा जी मामू, भाई ठीक कह रहे हैं, ये नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल भी। अच्छा एक मिनट, ये वाली तो डिसेंट लग रही है, बहुत सारी हैं डिसेंट लग रही है ना मुझ पे। सोबर क्या हो गया आपको यार, आपका फैशन सेंस कितना ओल्ड हो चुका है। ये शर्ट पहन के जाएंगे ना तो सारे के सारे रिश्ते से इनकार कर देंगे। तो ये वाली छोटी, ये कैसी, ये वाली ब्रांड न्यू अभी। हाँ जी बाजी, ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है तुमने, बर दिखाई। ये बर दिखावे की तैयारी कर रहे थे मामू। बर दिखाई की तैयारी इस तरह करते हैं लोग? तो कैसे करते हैं बाजी? अयाज, उन लोगों ने तुम्हारी शर्ट का रंग देखकर, इसकी स्टिचिंग देखकर, इसके प्रिंट्स देखकर तुम्हें पसंद नहीं करना है। अगर मेहनत करनी है ना तो अपनी पर्सनालिटी पे करो। जी बाजी। हाँ मामा, यही तो मैं समझा रहा था इनको, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही थी। हैं? ऐसा कब हुआ भाई? मामा कोई ये हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि मामू को कंफ्यूज कर रहे थे ये। चुप करो, अब मेरा मतलब ये है कि मैं समझाने वाला ही। अच्छा चुप करो अयाज, ये सारे कपड़े उठाओ और वापस इन्हें हैंग कर। जी बाजी। और मेरी बात याद रखो, अगर इस इंटरव्यू में तुम फेल हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अरे बाजी, फेल होना भी कौन चाहता है बाजी, काश कि मुझे कोई ये बता दे कि इंटरव्यू में सवाल क्या आएंगे। काश। लड़के की उम्र कितनी है? 5 से 3 साल बड़ी। लड़का करता क्या? 5 की तरह फारिग। बकवास बंद करो अयाज, तुम अपनी पर्सनालिटी को निखारो। जी बाजी। आज से अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। बिल्कुल अभी से करो। और वो जो तुमने इंस्टा पे अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, मैंने सुबह लगाई। अरे हटाओ उसे। नहीं क्यों? बड़ी उम्र के नौजवान लग रहे हो। अच्छा हद है, क्यों समझाए इन लोगों को। बाजी आप बेफिक्र हो, आपको ना अपनी पर्सनालिटी एनहांस करनी है। कैसे करूं? चलना सिखाता हूं। चलूं? अच्छा जब घर में दाखिल होऊंगा तो कैसे? ओके। अरे कैसे अकड़ के चलना यहाँ प्यार? क्या करूं? अरे लड़की से ब्याह करना है। हाँ। उसे अगवा नहीं करना। अच्छा प्यार से, जरा तहम्मुल से, शरीफाना चाल। शरीफ? अच्छा हाँ। अरे यार सुस्त मुर्गे चल रहे हैं आप, प्यार से डिसेंट बॉय। चलो निकल, चल निकल, चल चल मार जाओ, बस आउट आउट। मुझे सिखाएगा मामू? सिखाएगा? अबे हम तो टटस मामू कम है। यस भाई, मैं ते अनवार पायन ते जमान दे कान च गल पा गई हां कि असी बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेकर आ रहे हैं असमा ले, ते मैं इनकार नहीं सुनना है। पायन आप क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए, आपसे कोई बहुत बड़ा कसूर हो गया? ऐसा नहीं, नहीं हमारा भाई, वो एक्चुअली मैंने देखा है कि अक्सर शरीफ घरों के लड़के ऐसी सिचुएशन में ऐसी रिएक्ट करते हैं, मैंने तो यही देखा है। लड़के माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिया है शरीफ घरां दे बच्चे किस तरह बिहेव करते ने हैं। भाई अजकल इस तरह शर्मो हया दे पैकर मुंडे किथे लभदे ने। बड़ी खुश नसीब है आसमा। अम्मा जी लेकिन रिश्ता लेकर कब जा रहे हैं? वो कोई नया सूट हो तैयारी शारी के साथ जाएंगे ना? तैयारी कर रही है, हर वेले खर्चने का सोचती रहती। बस शादी होते ही उम्रे का प्लान है मेरा। ओ हेलो एवरीवन, ये सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों बैठे हुए हैं? तेनु कड्डन दे तरीके सोच रहे हैं। माय अम्मा जी डियर, आपको ना इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ये फैसला कर लिया है, सारी उम्र ना आपके पीठ में गुजारूंगी। आप सबको ना मैंने एक बड़ी गुड न्यूज सुनानी है। या अल्लाह खैर बिस्मिल्लाह। मेरी ना भांजी हनी वो अमेरिका से आ गई है, आप सब लोग ना उससे मिलके बहुत खुश होंगे। और इस तरह दी खुशी ऐसी और किन्निया वेखनिया ने। मैं ना उसका जरा बेडरूम सेट करा रही हूँ तो बहुत बिजी हूँ। ओ सॉरी अनिला जी, मैं ना आपको टाइम नहीं दे सकती। इनू तेरे टाइम दी लोड भी कोई नहीं। अच्छा जा अपना काम कर। ओके डियर अम्मा जी। सीमा जरा ना महीर को कॉल करो और उसको बोलो कि स्वीटी आंटी इसको जल्दी से बुला रही है, फौरन आ जाए। फिर वो जरूर आएगा। वेल अगर वो नहीं आया ना तो मैं खुद जाके उसे पिक कर लूंगी। वेरी गुड,
इसका मतलब ये है कि उस बेचारे को वहां भी सुख का सांस लेना नसीब नहीं होगा। कितने मजाक किए आप। मिला मिला महीर का फोन मिला। वॉइस कॉल महीर। वाह भाई। हाँ मैं बोल रही हूँ। वासलाम वासलाम गाल सुन, तू फौरन इत्थे आ घर आ, बड़ी जरूरी गल है, फौरन आ, जिस होलिए च है उस होलिए च आ जा, मैं एमरजेंसी विच पै गई हूँ, बस आ जा हुणे। लेवल बंद कर। वो मेरे रिश्ते की बात तो कहीं बीच में रहेगी भाई। भाई जान इधर इतना अहम मामला डिस्कस हो रहा है, आप अपना रिश्ता लेके बीच में आ रहे हैं, ये वन वे ट्रैफिक हो गया भैया। अरे तुम क्यों पैक कर रहे हो कपड़े, जाना तो मुझे चाहिए था। इसकी दादी की कॉल आई थी, एक इमरजेंसी हो गया, इसको जाना पड़ेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, मैं तुम दोनों को ना अपने अंकल आंटी से मिलवाना चाह रही थी, दे आर द स्वीटेस्ट। और माहिर अगर फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए हो, कोई काम हो, मुझे जरूर बताना, आई विल बी विलिंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच हनी, तुम बहुत स्वीट हो। तुम भी बहुत स्वीट हो। अब मैं अंकल आंटी को बुलाती हूँ। अंकल आंटी आ जाए। क्या कर रहा है, कब शर्ट सीधी तो करके रख, मैं थोड़ा। अब अंकल आंटी ये मेरा कजन सालिक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? और ये सालिक का दोस्त है, ये बेचारा तो। तुम महीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड आप माहिर को जानती? हाँ बेटा है हमारा दबीर, तुमने हनी को बताया नहीं? हनी ने पूछा ही नहीं कभी। हनी तुम इसे कैसे जानती हो? इसका मतलब है कि माहिर की स्टेप मॉम आप है। अम्मा जी वो सीमा बता रही थी कि समन का फोन आया था, ब्याह की डेट मांग रहे हैं वो लोग, क्या कहती हैं आप? मैं कहनी हाँ कि साढ़े मसले हाल नहीं होए तो उन्होंने ब्याह भी पड़ी है। मैं दस रही साफ साफ, जब तक मेरा पुत्र वापस नहीं आ जाता ना महीर नहीं आता, मैं किसी ब्याह श्याह की इजाजत नहीं दे रही। अम्मा जी ये तो आप ना होने वाली बात कर रही हैं, आपको पता नहीं आपका पोता कितना जिद्दी है, तो वो नहीं आएगा और फिर शादी नहीं होगी कभी। कभी तो अपने मुँह से कोई नेक बात निकाल लिया कर। सही कहावत है कि अगर शक्ल हसीन हो ना तो बात भी अच्छी करते हैं। दादी दादी सलामकुम, सलाम जाजू दादी, कैसी हैं आप? मैं आ गया। हाय मेरा शहजादा, जिंदा रहे जिंदा रहे, मैं पता नहीं तू आएगा तो ठीक है मेरी जान। दादी आपने मुझे अचानक बुलाया था, सब खैरियत है ना? चंगा कीता तू आए, एक कुड़ी पुत्री है, आ जा तू भी, आ बैठ जा घर अपना समझ, आ जा आ जा। हेलो ये है हनी, मेरी भांजी पर मेरी बेटी जैसी, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। तेरी धी सिटी है अमरीका वाली? हाँ। ते ए सालिक ते कार की कर रही सी। सालिक इसके मामू का बेटा है ना, इसने कहा कि पहले इसने मामू से मिलना है फिर यहाँ आके रहेगी। इत्तेफाक से वहाँ इसकी महीर से मुलाकात हो गई, फिर दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप, एंड नाउ दे हैव बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हनी स्वीटी आंटी की मुंह बोली बेटी है। महीर बस पुरानी बातें जाने दो ना, छोड़ो, मैं तो खुश हूँ कि तुम दोनों घर आ गए हो। कहानी में नया ट्विस्ट, इतना मिर्च मसाला मोना को बुलाकर आती हूँ, है वो क्यों मिस करेंगे? दादी आप मुझे बताएं, आपने मुझे अचानक कॉल की, मैं तो डर गया था, सब खैरियत तो है ना? यार सब खैरियत है, मैं बात से दसांगी तेनु, फिलहाल तू जाके आराम कर अपने कमरे में है। जा शाबा। मैं भी रेस्ट करना चाह रही हूँ, आप लोग मुझे रूम बता देंगे? अभी रेस्ट करने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे बिहेव करियो जैसे अमेरिका से यहाँ पैदल चलकर आई हो। अम्मा जी के बराबर बैठो, इनसे बातें करो, इनकी दुआएं लो, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। और नहीं तो क्या, अम्मा जी ने बदवाएं देनी है ना अम्मा जी? मैं किसी का सामना नहीं कर सकती, बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ रानिया कैसी हो तुम, इतने टाइम बाद कॉल किए यार। हाँ ये बताओ कि माहिर घर वापस आ गए? मैंने खैरियत पूछने के लिए सालिक को कॉल की तो उसने कहा कि हाँ हाँ वो घर आ गए हैं वापस। और पता है किसके साथ आए? स्वीटी आंटी की मुंह बोली बेटी जो कि उनकी भांजी है ना, उसके साथ आए हैं वापस। हैं ये
माहिर को कहाँ से मिल गई छोटी चुड़ैल? यही तो मजे की बात है, सालिक भाई है ना, उनके मामू की बेटी है वो, और वो उन्हीं के घर में रह रही थी। अब माहिर भाई और उसकी तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कितनी मजे की बात है ना, अम्मा से झगड़ा है और बेटी से दोस्ती है। मुझे लगता है घर में कुछ दिनों तक ना खासा हंगामी माहौल होने वाला है। तो वो हनी वो स्वीटी आंटी की बेटी है? तभी पहली नजर में ही मुझे इतनी बुरी लगी थी, मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये लड़की ना बहुत ही तेज और मीसनी है। अच्छा, ऐसा लगा तुम्हें? लेकिन तुम कब मिली उससे? ये बातें छोड़ो राबेल, तुम्हें माहिर को उस हनी से बचाना है, आई समझ? मैं कैसे बचा के रखूं उन्हें? और अगर माहिर भाई को वो लड़की अच्छी लग रही है तो मैं उनकी राय थोड़ी बदल सकती हूँ। तो तुम किसी काम की नहीं हो राबेल। रानिया मेरी हेलो, कैसे बचाऊं माहिर भाई को? हाय हनी, ऐ चंगा हो गया कि पाकिस्तान इतनी मारते ही तेरी माहिर से दोस्ती हो गई। मैं इतनी खुश हूँ। ओह गॉड, और आपको नहीं पता मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। अब माहिर को कैसे फेस करूंगी? तुम तो पागल हो, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? आपने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, कोई अंदाजा है आपको? ओहो, तो ये बात है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम उसे जाकर ना ये गुड न्यूज सुनाओ कि मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने का इरादा जो है ना वो कैंसिल कर दिया है। आप उसकी प्रॉपर्टी कैसे ले सकती हैं? स्वीटी को चैलेंज मत करो, स्वीटी सब कुछ करवा सकती है। फिलहाल जाओ, जाकर उसे गुड न्यूज दो कि मैंने ये सारा इरादा कैंसिल कर दिया। जाओ ना, खुश हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही और मैं किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगी। क्या हो रहा है मुन्ना? है ये स्वीटी की बेटी और महीर की दोस्त, क्या चक्कर चल रहा है भाई? हमें क्या पता, हम तो सीधे साधे लोग हैं, भला इन गैर मुल्की लोगों की सियासत कहाँ समझे ना। यूर रॉन्ग, गैर मुल्की के साथ साथ मुझे तो अंदरूनी लोग भी इन्वॉल्व लग रहे हैं। बता रही हूँ तुझे, महीर बड़ा तेज है, कोई बहुत ही गहरी चाल चलने वाला है। पेशा से कहती हूँ, बड़ा स्मार्ट है। अरे तो हो तो हम क्या करें, वो कुछ भी हो, सावर तो बहुत ही सीधे साधे मासूम से हैं। जरा से भाप कर दो ना तो डर से जाते हैं। कहते हैं सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। अरे उसका तो बस नहीं चल रहा कि एक दिन तारीख मिल जाए तो कल वो बारात ले आए। बस जल्दी से अम्मा जी बुला लें। बुलाएंगे सबको बुलाएंगे। अब तो इस घर में एक नहीं, दो दो शादियां होंगी। भाभी जी, दूसरी वेडिंग किसकी है? हु वेड हु? ये तो खुल्लम खुल्ला सरप्राइज है। लड़का भी घर में है, लड़की भी घर में है। ऐसा रौनक मेला लगेगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। मैं मर जाऊं मोना, मुझे लग रहा है इस घर में ना भूचाल आने वाला है, फुल जलजला है। मैं तो जाकर हमाद को बता रही हूँ, रोक सके तो रोक ले। हाँ, एक साइड में अम्मा जी, दूसरी साइड में स्वीटी। हाय, पता नहीं क्या हो। हमाद भाई, हमाद मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ सुने। कहीं लोगों के चक्कर में मेरी शादी ना रह जाए। नहीं खावर जानू, स्वीटी आंटी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं शर्मिंदा हूँ, एंड आई अपोलोजाइज। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। थैंक यू हनी। भाई भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या गेम खेल रहे हैं, मुझे भी बताएंगे? गेम? कैसी गेम राबिल? आप अपनी उस चालाक स्टेप मदर की वो मुंह बोली बेटी के साथ शादी कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? बच जाए, बर्बाद हो जाएंगे वो दोनों माँ बेटियां मिलके ना, आपको पागल कर देंगे। यही कहना चाह रही हूँ। हाँ, यही कहना चाह रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं स्वीटी आंटी जैसी नहीं हूं तो मेरी बात का यकीन कर लोगी? इसलिए मैं साबित करके दिखाऊ कि मैं स्वीटी आंटी जैसी नहीं, और माहिर का पूरा साथ दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू हनी, लेकिन मुझे किसी की हेल्प, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अपनी जंग मैं खुद लड़ूंगा, जीत के दिखाऊंगा।
बहन बहन करते हो, इतना कुछ हो गया, क्यामत गुजर गई और तुमने मुझे इत्तला करने की भी जरूरत नहीं समझी। क्यामत गुजर है? क्यामत गुजरी नहीं है मैडम, क्यामत तो आई है। वैसे तुम ना किसी तूफान से कम नहीं हो, हुआ क्या है, गुस्से में क्यों? वो चलाको मासी वो अंकल दबीर की बोली बेटी है। चलाको मासी? कौन चलाको मासी? क्यों तुम किसी को उल्टे सीधे नाम दे रही हो भाई? मेरे अल्लाह, उसने तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लिया। बहुत ही तेज लड़की है भाई, बहुत ही चलाक है। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हें उससे मसला क्या है? मुझे जाती कोई मसला नहीं है, अम्मा जी की फिक्र है। माँ बेटी मिलके ना घर की रवायतों को तबाह करना चाहती हैं। तो तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे नकचड़े पड़ोसी, उनकी क्या राय है उसके बारे में? सुनाई बड़ी दोस्ती हो गई है। वैसे पता नहीं ऐसे मौके पर तुम मटों की अंकल कहाँ घास खाने चली जाती है। ये हनी और स्वीटी आंटी जैसी औरतें ना तुम जैसों को बेच खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तुम देखना कि माही के साथ तुम बहुत ही बुरा होगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा, तुम्हें गैब के इल्म की ताकत कब मिली? देखो भाई, मैं तो इसे कब से समझा रहा हूँ कि वो मासूम सी लड़की है, उसके बारे में बुरा भला मत कहो, लेकिन ये माने को तैयार ही नहीं है। लगता है हनी इसे कुछ ज्यादा ही बुरी लगती है। और लगता है आपको कुछ खास लगाव है हनी से। वैसे है तो प्यारी, माही से पूछ लो। तो मर्दों को कोई लड़की बुरी भी लगती है? वैसे सही बात है, हाँ मर्दों को तो जहीन लड़कियां भी इतनी अच्छी लगती, और जिनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं तो जहर लगती है। कसम से जो बेवकूफ लड़कियां होती ना बहुत क्यूट होती। क्यों माया? हाँ लेकिन सानिया बिल्कुल क्यूट नहीं। मैं बेवकूफ भी नहीं। अच्छा, और जहीन लड़कियां तो लड़कों को एक आंख भी नहीं भाती, तो तुम क्या जहीन भी नहीं हो क्या? मैं ना तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो यार? गुस्सा तुम पे जचता नहीं है, गुस्से पे ना तुम बिल्कुल एक छोटी सी गुलेरी लगता। हाँ सही कहा, ये वाली बात सही थी। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे, लगता है कि बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाय काश हासिल हो जाए, फिलहाल तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। वो जालिम जिससे खुशी हासिल होनी है इशारा समझने को तैयार ही नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात, अम्मा जी का ही एहसास कर लेते। याद रखिएगा, रिश्ते ना दौलत से ज्यादा अहम होते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ रानी, लेकिन अफसोस थोड़ी देर में समझे। मैं मजाक नहीं कर, सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।